रहोगे जब भगवान ने फिर ये क्रोध दिया ही क्यों, बैलेंस बनाने के। भाई कोई नहीं सुधर रहा, ज्यादा खतरनाक है, नहीं सुधर रही है, तो क्रोध करो पर दिखा उठी थोड़ी देर के लिए ताकि सुधर जाए। एक बार एक नाग को, एक नाग की आदत थी, नाग यानी स्नेक सांप, वो सबको काटता था। गांव वाले बड़े परेशान थे, एक महात्मा वहां से निकले तो गांव वालों ने कहा बाबा वहां से मत जाना, वो बहुत खतरनाक सांप है, काटता है, दौड़ दौड़ कर काटता है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हम उसको प्रवचन सुनाएंगे। अरे वो प्रवचन सुनने वाला नहीं है, वो काटता है, बाइट करता है। महात्मा गए तो वो दौड़ा, तो महात्मा तो बड़े बुद्ध थे, बुद्धिमान थे, बड़े सिद्ध पहुंचे हुए महात्मा थे। उन्होंने समझाया भाई देखो भगवान ने तुम्हें क्रोध दिया है, तुम्हें जहर दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम विनाश करो, खुद का भी और दूसरों का भी, शांत हो जाओ। उसको प्रवचन चार पांच दिन सुनाया तो जो नाग था सांप, उसने काटना बंद कर दिया। रुको, महात्मा ने कहा चार पांच दिन बाद हम फिर आएंगे। गांव के लोगों से महात्मा ने कहा देखो अब जो वो नाग काटता था अब नहीं काटेगा, हमारे प्रवचन उसने सुन लिए। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी उस सांप के साथ खेलने लगे, छोटे छोटे बच्चे कोई पूंछ पकड़े, कोई मुंह पकड़े, कोई उठा उठा फेंके, क्योंकि काटना तो है ही नहीं इसे। 10-12 दिन में उसकी दुर्गति हो गई, 3 जगह से टूट गया बेचारा सांप। महात्मा जब लौट कर आए तो कहा कि ये तुम्हारी गति कैसे हुई, बोले सत्संग से। बोले इतनी दुर्दशा कैसे हुई, बोले सत्संग सुना इसलिए हुई। महात्मा तो महात्मा बोले मतलब, बोले ना तुम्हारा सत्संग सुनते, ना हम शाकाहारी बनते, ना हम प्रण लेते, ना ये दुर्गति होती। पहले हम काटते थे तो इस गली से निकलने में आदमी सोचता था, जब से तुमने प्रवचन सुनाए हैं कि तुम काटना मत, अब ये दुर्दशा हो गई कि चलते नहीं बन रहा, 3 जगह से पूंछ टूट गई है। तो महात्मा ने धीरे से कहा देख पागल, मैंने तुझे काटने के लिए रोका था, फुसकारने के लिए नहीं। फुफकार सकता, काटना नहीं है, पर फुफकार। अब आपने बता दिया, अब कल से ही ये बात एग्री है। अब दूसरे दिन फिर बच्चे खेलने आए, बच्चों की तो रोज की आदत हो गई थी, बच्चे फिर खेलने आए, जैसे ही खेलने आए सोई इसने फन उठा करके मारी फुफकार, बच्चों ने लगाई दौड़। तो भगवान ने क्रोध इस प्रयोग के लिए दिया है, अगर बच्चा सुधर नहीं रहा, बिटिया सुधर नहीं रही, बेटा सुधर नहीं रहा, पत्नी सुधर नहीं रही, थोड़ा सा दिखा दो कि हाँ गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गुस्सा ही गुस्सा रहो, बैलेंस बनाने के लिए भगवान ने क्रोध दिया है। आपने नट देखा, नट, नट जानते हो जो रस्सी पर चलते हैं, जादूगरी दिखाते खेल, रस्सी बांध देते हैं एक उस तरफ उसके ऊपर चलते हैं, जब रस्सी पर चलते हैं तो वो जब गिरने लगते हैं तो अगर इस तरफ गिर रहे हो तो इस तरफ वजन कर लेते हैं लेफ्ट साइड, और लेफ्ट तरफ अगर गिर रहे हैं तो राइट साइड वो वजन कर लेते हैं, बैलेंस बनाते हैं। उसी प्रकार भगवान ने 3 गुणों से संपन्न किया है हम आपको, राजसिक, तामसिक और सात्विक, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, रज सत तम, इन 3 गुणों से संपन्न भगवान ने करके भेजा है। तो जब जब राजसिक धर्म को संतुलन करना हो तब तक तामसिक धर्म तमोगुण को प्रयोग करना चाहिए। राजा थोड़ा सा अगर प्रभाव ऐसा ना दिखाए तो राजा को कौन मानेगा, तो रजोगुण को ठीक करने के लिए तमोगुण का प्रयोग करना चाहिए, पर जो रजोगुण और तमोगुण दोनों से परे हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो इससे ऊपर कैसे हुआ जाए। बोले देखो भाई भगवान ने क्रोध तो दिया है, इसको छोड़ना तो बड़ा मुश्किल। कई लोग कहते हैं महाराज हमें तो गुस्सा आती नहीं, ऐसा मुश्किल है, क्योंकि भगवान ने सबको 3 गुणों से संपन्न करके भेजा है, तो उसका सदुपयोग करो गुस्सा का। और हमसे कोई पूछे महाराज जी क्रोध का सदुपयोग क्या है, हमारी दृष्टि में क्रोध का सदुपयोग है अधर्म की बात जहां चल रही हो, धर्म का ह्रास हो रहा हो, धर्म का नाश हो रहा हो, ऐसी जगह क्रोध दिखा करके आप क्रोध का भी सदुपयोग कर सकते हो।
समाज का अहित हो रहा हो, समाज का बुरा हो रहा हो, राष्ट्र का बुरा हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति में आप क्रोध को उपयोग करके बोध में जी सकते। तो हम आपसे कहेंगे कि क्रोध में नहीं, बोध में जियो। देखो, जो बीज डालोगे वो काटना पड़ेगा, आप जो बीज बोओगे वो वृक्ष बनकर के, बरगद ब्रसाल काय वृक्ष बनकर के प्रकट होगा, आपको वो काटना पड़ेगा। इसलिए सावधान, भगवान ने आपको जो क्रोध दिया है वो परिवार की विनाश के लिए नहीं, आप क्रोध का सदुपयोग करो।